You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think. So, good morning, guys. मैं अभी उठ चुका हूँ एंड अभी पहले मैं फ्रेश वगैरह होता हूँ, चेहरा धोता हूँ अपना एंड एक लीटर पानी पियेंगे कल की तरह, तो क्योंकि एक रूटीन है सो अपन उसको फॉलो करेंगे एंड फिर मैं ये सब करने के बाद मैं कुछ खा लूँगा एंड फिर सीधा जिम भी होऊँगा तैयार एंड फिर अपन चलते हैं सीधा जिम. 80,000 impressions later. Would you please stop imitating me? It is starting to get very annoying. अभी मैं तैयार हो गया हूँ जिम के लिए एंड अभी अपन सीधा चलते हैं जिम एंड अभी बहुत अच्छा सा मौसम हो चुका है क्योंकि कल रात में इधर हुई थी बारिश. सो मैं आपको एक बार मौसम दिखा देता हूँ कैसा हो रहा है. ऐसा कुछ मौसम हो रखा है. सो आज बहुत अच्छा लगेगा चल के जिम तक जाने में, वरना इस समय तक धूप आ चुकी होती है तो मन नहीं करता है चल के जाने का. सो अभी चलते हैं अपन. अभी मैं जिम के लिए आ ही रहा था, बस पास में ही हूँ जिम के एंड बारिश शुरू हो गई है. सो अभी तो मेरे को जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा वरना तो मैं भीग जाऊँगा पूरी तरीके से. सो अभी जल्दी या तो मैं दौड़ के जाऊँगा या अगर इतनी स्पीड से रही तो आराम से मैं चल के जा सकता हूँ क्योंकि थोड़ी बूंदाबांदी तेज़ तेज़ हो चुकी है. सो अभी मेरे को जल्दी करना पड़ेगा वरना तो मैं गीला हो जाऊँगा एंड गीला होके कौन ही वर्कआउट करना चाहेगा. तो जल्दी जल्दी चलते हैं. हाँ, इधर थोड़ी सी कम है बारिश वरना पीछे की तरफ अच्छी खासी तेज़ बूंदाबांदी हो गई थी. इधर तो चलो थोड़ा सा राहत है, आराम से पहुंच जाऊंगा अभी मैं. तो सार्थक भी पहुंचने ही वाला है, बस पहुंच गया था जिम पे, अभी मेरी बात हुई थी रास्ते में उससे. सो पहुंच गया होगा वो, तो उधर पहुंच के उसके हालचाल पूछते हैं. अभी भी वो कल पूरी तरीके से सही नहीं था पर मैंने उसको बुला लिया था कि भाई आ जा, वीडियो शूट करनी है क्लिप वगैरह वरना मैं डाल नहीं पाऊँगा व्लॉग के अंदर. सो वो आ गया था. सो अभी मैं जिम पहुंच चुका हूँ एंड सार्थक भी आ चुका है. तो सार्थक भाई क्या हाल है, तेरी तबीयत कैसी है अब? बड़ी बढ़िया भाई. भाई अभी कल से तो ठीक हो गई होगी ना अब? आज तो लेग्स ट्रेन करना है तेरी, पहले से ही फटी पड़ी है लेग्स का नाम सुनते ही. चलो तो आज लेग्स ट्रेन करते हैं और आज सार्थक और मैं देखते हैं कैसे पैदल पैदल घर पहुंच पाएंगे क्योंकि लगता नहीं है कि घर पहुंच पाएंगे. My hand's steady, I feel ready, but my leg's heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence. I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest, I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving on to my prime. Just quit my nine. Several days later. So अभी बज चुके हैं शाम के 7:15 एंड मैं अपना नाश्ता ले आया हूँ जिसमें रहेगी एक कप कॉफ़ी एंड ब्रेड विथ मलाई जो कि मेरी फेवरेट है. सो वैसे मैं चाय कॉफ़ी दोनों ही पीता हूँ लेकिन आज मौसम इतना अच्छा हो गया है क्योंकि अभी एक घंटे पहले बारिश हुई थी तो उस वजह से ठंडक और बादल थे. सो अभी अच्छी खासी ठंडक है. सो मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ, अमेजिंग कॉफ़ी. सो
मेरे को ये बताओ कि किस किस को बारिश के बाद का मौसम पसंद है, क्योंकि बारिश तो जनरली बहुत ही कम लोगों को मेरे को लगता है कि पसंद होगी, क्योंकि उसमें वो बाहर नहीं निकल पाते हैं घर के, उन्हें घर में बैठना पड़ता है, या बाहर जाते हैं तो भीग जाते हैं। सो बारिश होने के बाद में अगर अगर कीचड़ ना मची हो, सो जो ठंडक रहती है मौसम में और जो इतना प्लीजेंट एटमॉस्फेयर हो जाता है, सो वो किस किस को पसंद आता है वो मेरे को बताना ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में। सो मैं तब तक अपना कॉफ़ी विथ ब्रेड इन्जॉय करता हूँ। एंड एक और बात, अभी मैं ये जस्ट फिनिश करने के बाद मैं सीधे जाऊँगा पढ़ने बैठूँगा, एंड क्योंकि आज मैं दोपहर में नहीं पढ़ पाया क्योंकि मेरी नींद लग गई। आज हाई इंटेंसिटी वर्कआउट किया था, लेग्स का था। सो आज एक और चीज़ है कि मैंने डेडलिफ्ट 100 kg ट्राई की, जो कि एक फेलियर अटेम्प्ट था। ओके सो गाइस, अभी बज चुके हैं रात के 10:30 एंड मैं अपना खाना प्रिपेयर करने लिए आया हूँ। एंड खाने में रहेगी 4 रोटी विथ अमूल बटर, जो मैं रोटी पर बढ़िया लगा के खाऊंगा। एंड साथ में सब्जी में है अपने पास पनीर की सब्जी, जो कि मैंने अभी बनाई है। सो इसमें पनीर से मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाएगा। एंड साथ में मैंने 2 बॉइल्ड आलू लिए हैं ताकि मैं कार्ब्स भी प्रॉपर तरीके से खाऊं, ताकि मेरा बल्क हो। सो अभी मैं लीन बल्क करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि पहले बल्क करा फिर वो, एक अलग चीज़ है तो उसको अपन अभी छोड़ देते हैं। सो सिंपल ये कि मैंने कार्ब्स भी उसमें लिए हैं ताकि बल्क हो। एंड शिमला मिर्च है, कैप्सिकम एंड टमाटर भी है। सो अभी मैंने ये बना लिया है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ये बनाते हुए दिखाऊँ, सो अगले ब्लॉग में, अगले एपिसोड में, या फिर तो उसके बाद में कभी भी मैं बना के दिखा दूँगा जब अगली बार बनाऊँगा। सो अभी मैं इसको एंजॉय करता हूँ।